अरे पांड्या भाई, क्या बात है! आपने और आपकी टीम ने मिलकर तो विरोधी टीम की वाट लगा दी। 10 विकेट झटका दिए आपने और मैच को कितने शानदार तरीके से विन कर लिया आप लोगों ने, क्या बात है! और इतना ही नहीं पांड्या भाई, आपने तो 15 गेंदों में 39 रन ठोक दिए, 3 छक्के और 3 चौके लगा के आपने तो विरोधी टीम की खटिया खड़ी कर दी। अरे बिल्लू भाई, आप कहाँ समझते हैं, ये पांड्या की टीम है। पांड्या की टीम दुश्मनों को डांडिया खेलना सिखा देगी। और कहाँ समझते हैं, क्या सुमन गिल आउट हो गए हैं तो क्या समझते हैं कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद मुझे मौका मिला, मैं क्या छोड़ देता। मैंने भी अपनी तरफ से शानदार पारी खेली और मैच को विन करा लिए। आप सही बोल रहे हैं पांड्या भाई, मैंने अपने बल्लेबाजी में 35 गेंदों में 36 रन ठोके और 6 चौके भी लगाए। मैंने तो टारगेट लिया था कि 10 ओवर में मैच को फिनिश करना है और मैच को हमें विन करना है, लेकिन मैं आउट हो गया पांड्या भाई। अरे रिद्धिमान शाह, तुमने क्या क्या, तुम तो बताओ, अपनी विरोधी टीम को धूल चटाई कि नहीं? सब ने तो अपना अपना बता दिया। तुमने कितना रन मारा, कितना चौके और कितना छक्के लगाए, जरा बताओ। तुम्हारे कैप्टन पांड्या भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब सामने हैं, जरा बताओ, हम सब सुनना चाहते हैं। अरे बिल्लू भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 34 गेंदों में 41 रन ठोके हैं और 5 चौके भी लगाए। मैंने पांड्या भाई, अपने कैप्टन पांड्या भाई और गिल भाई सबसे ज़्यादा रन ठोके हैं। अरे पांड्या भाई, आपने क्या ही शानदार तरीके से मैच को विन किया है, आपने अपनी विरोधी टीम के 10 विकेट झटका दिए। तो चलिए पांड्या भाई, अब तो आप लोग मैच जीत ही गए हैं। आप तो जानते हैं कि मैं चिकन और पौवा मारने में कितना आगे रहता हूँ, तो बताइए हम लोगों को पार्टी कब मिल रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।